हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। इसी की महत्ता को समझते हुए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने देश के विभिन्न राज्यों में न्यायाधीशों को बनाने के अपने सफर में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। अपने इस सफर में न्यायाधीश बनाने की समाज सेवा में अपनी सहभागिता को एक बार और साबित कर दिया है। हाल ही में हरियाणा न्यायिक सेवा 2021 के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र मयंक गुप्ता जी ने 63rd रैंक पूरे भारत में प्राप्त की है एवं आज वह हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उनसे इस सफर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मयंक सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको एवं आपके परिवार को बहुत बधाई हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, आप जब आपका रिजल्ट आया तो आप और आपके परिवार ने कैसा महसूस किया और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक जज बन के? जब रिजल्ट आया पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इसको पास कर लिया। एग्ज़ाम अच्छा था, इंटरव्यू भी अच्छा गया था, पर बैक ऑफ द माइंड एक फियर होता है कि कहीं आप फेल हो गए तो क्या। तो बस वो फियर को पार करते करते ही कुछ घंटे लगे रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद जब हम सब साथ बैठे तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरा सपना नहीं था, दिस वाज माय पेरेंट्स ड्रीम एज वेल एंड इट केम ट्रू ऑन दैट डे। सो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत एक यूनिक सी फीलिंग थी जो हम लोगों ने उस दिन महसूस करी। वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू। था ही ये ऐसा गौरव का पल जो हम कभी भूल नहीं सकते। जी, आपने विधि की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने मेरी लॉ ग्रेजुएशन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करी है। मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम एलएलबी ऑनर्स में है। आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2021 एंड आफ्टर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज फीट यू हैव अचीव्ड। यू आर जस्ट पास्ड आउट इन 2021 एंड इन 2022 यू आर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। थैंक यू सो मच, दैट इज एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। सो यू वर फ्रॉम 5-year कोर्स? यस। सो even though it was an integrated course, you have studied all the law subjects in detail. Yes. But how this Ambition Law Institute proved to be a boon for you, and what is the basic difference you find between the colleges and the coaching teaching style? So if we look at the teaching in the university, it is particularly restricted to some subjects in a particular semester. So we had 5 to 6 subjects in a semester, and if you look at the judicial services examination, a particular exam has multitude of subjects. So for example, civil law one had 8 to 10 subjects. So the difference which comes out from the preparation at the university and the preparation for the judicial services examination is that you have to be more clear in concepts and tricks when it comes to the judicial services examination, because at that level you have to fight at the all India level. Right. Whereas the university examination was only for the purpose of not only for the purpose of gaining knowledge, but for securing the best marks and clearing the exam, but the element of all India competition was missing there. So I feel the major difference was this only. Right. आपके न्यायाधीश बनने के सफ़र में कोचिंग संस्थान, विशेषतः एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रही? मेरे हिसाब से एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी की टीचिंग और इस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत फ़र्क है। हमने वहाँ बहुत नॉलेज गेन करी, बट जहाँ इम्प्लीमेंटेशन का टाइम इस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आता है, इट रिक्वायर्स वेरी वास्ट स्टडीज़ एंड वेरी डीप नॉलेज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट विच आर देयर इन द एग्जामिनेशन। सो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने मुझे सिखाया कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स पे टारगेट करना है और कैसे हमें उन्हें लर्न करके बार बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। तो इसके लिए आलोक सर और उनकी टीम की एक गाइडेंस थी जो मैंने हमेशा फॉलो करी। कुछ शॉर्टकट्स थे, कुछ टिप्स थी जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में मुझे बहुत काम आए। एक सेट मटेरियल था जो हमने पढ़ा, बार बार रिवाइज करा, और लेटेस्ट केस लॉस का मटेरियल था, जनरल नॉलेज का मटेरियल था जो सर और इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड करा, और उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरे इस सफर में। वेरी करेक्ट। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट और क्लासरूम टीचिंग में एवं प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अगर हम एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की क्लासरूम टीचिंग को देखें तो हर क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट का एक टेस्ट होता था जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को चेक करने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन सही स्टेज पर जा रही है भी नहीं जा रही। तो एक वो चीज़ है जो बहुत यूनिक फीचर है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की क्लासेस का। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आखिरी के 15 मिनट हमारा एक डाउट सेशन होता था, तो वो डाउट सेशन हमको ये दिखाता था कि क्या हमें समझ आ रहा है और अगर नहीं आ रहा तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं उसी टाइम रेस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर से पूछ के। तो अगर ये एक एलिमेंट्स को हम एक क्लासरूम टीचिंग में देखें और हमारी डेली प्रेजेंस को हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा एक कॉम्पोजिशन है जो हमको हमारे एम्स अचीव करने के लिए हमेशा के लिए प्रेरित करता है और हमको हमारी प्रिपरेशन का लेवल चेक करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देता है। जी, हमारे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन्होंने अपनी टीचिंग टेक्निक से आपके विद्यार्थी एवं न्यायाधीश बनने के सफ़र के बीच का अंतर को समाप्त किया? जहाँ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के टीचर्स की बात आती है, आलोक सर और उनकी टीम ने हमारी सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा मतदान दिया है जिनको शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर हम टीचिंग पैटर्न और टेक्निक्स को देखें तो आलोक सर हम लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स एक शॉर्टकट्स देते थे। फॉर एग्जांपल जैसे सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में 26 डेफिनेशंस है। अब प्रीलिम्स में पूछा जाता था कि सेक्शन 2A सेक्शन 2C व्हाट इट रेफर्स टू, तो आलोक सर ने हमें एक ऐसी टेक्निक सिखाई जिसके बाद हम उसको 100% सक्सेस से उसको हम आंसर कर सकते थे और वहाँ गलती होने का कोई चांस ही नहीं था। और अगर हम बाकी टीचर्स की भी बात करें तो हमें क्वांटिटी के पर नहीं फोकस कराया गया, हमें बताया गया कि यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी। तो हमें कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और जो एक पर्टिकुलर चीज़ थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में जो हमें लर्न करनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है, हमें उस पर फोकस करने का ही तरीका बताया। और ऊपर से जहाँ एग्ज़ाम में फैक्चुअल सिनेरियो दिया होता है और हमें लॉ खुद से अप्लाई करना पड़ता है तो उसे भी हमें समझाया गया कि कैसे हमें उसको करना है और करना ही नहीं किस तरीके से करना है कि हमें एग्जामिनर चेक करके सबसे अच्छे मार्क्स थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टीचिंग्स अनप्रेसिडेंटेड थी जिस तरीके से हमें सिखाया गया है और उसका बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की सक्सेस में। जी, हमारे एम्बिशन पब्लिकेशन की बेरैट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मटेरियल्स आपको जो क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते थे, उनकी क्या भूमिका रही आपकी तैयारी में? अगर इफ यू लुक एट द एम्बिशन लॉ बेयर एक्ट्स, तो दे आर यूनिक इन देम बिकॉज एम्बिशन लॉ बेयर एक्ट्स डज नॉट ओनली कंटेन्स द लीगल एस्पेक्ट्स विच हैव टू बी प्रिंटेड, बट उनके लीगल एस्पेक्ट्स के बाद इंग्लिश मीनिंग उन चीज़ों का भी बताया गया है। देव एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटिफुली अपार्ट फ्रॉम द सिंप्लीफाइड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म्स विच आर यूज इन द बेयर एक्ट्स। दे हैव ऑल्सो मैंशन द लेटेस्ट केस लॉज विच हैव टू बी अंडरस्टूड फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज वेन इट कम्स टू द एम्बिशन लॉ बेयर एक्ट्स एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टिल द इंटरव्यू स्टेज। Yes. And apart from the materials other than bear acts, the general knowledge material was very, very good and most of the questions overlapped from the general knowledge material which was provided by Ambition Law Institute only. And the subject booklets were also extremely helpful. It was very much in sync with the classroom teachings and any doubt which was arising from the classroom material could be solved by taking a look at the booklets and material which was provided by Ambition Law Institute. That is very soothing to hear. Yes, sir. ऑल इंडिया जुडिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया प्रीवियस जुडिशियल सर्विसेज के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड इफ यू लुक एट द पैटर्न ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, इट इज़ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एंड समवेयर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पैटर्न ऑफ प्रीवियस लुक एट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द बेस्ट गाइड फॉर दिस इज टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच हेल्प अस इन डिसाइफरिंग एज टू वॉट इज टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक अबूझ पहेली बनी रहती है विद्यार्थियों के बीच में, इस पे आपने कैसे कार्य किया या कोचिंग संस्थान ने आपको कैसे एक मदद दी? आंसर राइटिंग के लिए आई यूज टू एंश्योर दैट आफ्टर कम्प्लीटली रीडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं उस पर डेली एक आंसर प्रैक्टिस करूँ। तो ये प्रैक्टिस मैं कैसे करता था कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने हमें मॉडल आंसर्स दे रखे थे जिसको पढ़ के हम समझते थे कि हमें किस स्टेज में
किन स्टेप्स में एक आंसर को आंसर करना है एग्ज़ाम में, तो उसकी प्रैक्टिस मैं हमेशा करता था मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे, और मैं कभी भी ऐसा दिन नहीं है जो छोड़ता था कि जहाँ मुझे एक मॉडल आंसर लिखना है। और ये आंसर मैं फिर एम्बिशन लॉन्गिट्यूड ने एक चेकिंग प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड किया था, वहाँ चेक करवाता था, और वहाँ से जो हमें इनपुट्स मिलते थे मैं उस पर हमेशा मेहनत करता था और काम करता था, जिससे मैं एग्ज़ाम में कभी उस पर गलती ना करूँ फिर से। जी, निबंध लेखन हरियाणा जुडिशरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पे आपने कैसे कार्य किया? निबंध लेखन हरियाणा जुडिशरी में अगर हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देखें तो 100 मार्क्स का है, और हिंदी का देखें तो 30-35 मार्क्स का है। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पासिंग दिस एग्ज़ाम। सो फॉर ऐसे राइटिंग आई यूज टू एंश्योर दैट आई रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली, जिससे आई कुड गेट इन टू द टॉपिक्स विच आर necessary and important and could be asked in the examination. Apart from this, Ambition Law Institute provided us with immense material on every subject and every topic from where essay could be asked. So I used to stick to these novel techniques only so as to answer the essay writing in the examination. Right. आप अपने इस पूरे सफर में इतना सकारात्मक, जैसा कि हम अभी भी देख पा रहे, इतना सकारात्मक कैसे बने रहे? जैसे कि कोई भी विघ्न आया हो, कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए, उसका आपने कैसे निवारण किया? अगर इफ यू लुक एट द नेगेटिव थॉट, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेपरेशन। सो देर इज ऑलवेज अ फियर दैट इफ वी फेल व्हाट वील डू। सो I always used to not to entertain these thoughts, and if there was a feeling of negativity in my mind, so I used to go to my parents and my very good friends who always helped me to move out of that particular phase. And apart from this, Alok sir, apart from teaching us, also gave many mentoring sessions. He always taught us that we have to not to look on to our failures from mocks or scoring less marks in the mock test, and we have to ensure that we uplift ourselves from low scoring or difficult phases, for example the corona lockdown period. So yes, he helped us to move out of all that, and this is what helped me in my success in Haryana Judicial Services as well. Yes. आपके रोल मॉडल के बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरे रोल मॉडल देखा जाए तो ऑनरेबल जस्टिस हंसराज खन्ना हैं, इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। सो ही वॉज़ वन ऑफ दोज जजेज हु नेवर बोट डाउन टू एनी प्रेशर, एंड ही वॉज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, बट उनका नाम पूरे विश्व में था, क्योंकि उन्होंने एमरजेंसी के टाइम भी अपने न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखा, और उन्होंने न्याय और न्यायिक और लोगों के दर्द को दूर करने के लिए ही फैसला दिया। जी, अब जैसा कि आप जज बन चुके हैं, आपका अन्य भारत में जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई संदेश? जी, मेरा उनके लिए ये संदेश रहेगा कि वो अपने प्रेपरेशन पे फोकस करें, ना कि अपना टाइम प्लान भी बनाने में व्यर्थ करें। उनको अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और अगर जैसे मैंने पहले कहा कि ऊपर और नीचे फेजेस आते रहते हैं, तो उन लोगों को अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि वो कैसे एक लो फेज और वीक फेज, कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको कैसे वो डील करेंगे। हमेशा अपनी गलतियों से वो सीखे, और हमेशा अगर उनको कुछ बुरा लगता है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने माता पिता के पास जाएं, उनके साथ बैठे बात करें, या अपने दोस्तों के साथ जाएं और उनसे बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनको एक अच्छा गाइड कर पाएंगे कि उन्हें फ्यूचर में कैसे आगे जाना है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने गोल पे एक आप एम बनाए रखें, और वहाँ से कभी भी अट्रैक्शन और डिसअट्रैक्शन से कभी भी एंटरटेन ना होए, और अपने गोल पे बने रहें। जी, अब जैसा कि यू आर अ पार्ट ऑफ जुडिशरी सिस्टम, सो यू वॉन्ट एनी चेंज इन दैट जुडिशियल सेटअप? So if you look at the Indian judiciary, it is one of the most independent judiciary in the world, and it is performing brilliantly throughout the country. But if we have to answer this particular question, I will ensure that there is more speedy disposal of cases. If you look at now also, there is extremely good speedy disposal of cases throughout India in many subject matters. But I will ensure that there are more good speedy disposal of cases rate in the state of Haryana. Right. So this is it from our side. Once again, many congratulations, and keep up the good work of judging and justicizing. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much.